जी हाँ, थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही देखा। अब आंगनबाड़ी सेविकाएं भी बनेंगी प्री प्राइमरी टीचर। जैसे कि आपको मालूम है कि सेविकाओं को पूरे भारत में सेविकाओं को जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कराया जा रहा है। इसी के संबंध में ध्यान दीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश राज्य से खबर निकल के आ रही है कि वहां की जो सेविकाएं हैं उनको जो है प्री प्राइमरी टीचर बनाने का प्रस्ताव सेंट्रल लेवल पर यानी केंद्र सरकार को भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने पर इसकी प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप बिहार की सेविका है या फिर यूपी की है, लेकिन इस न्यूज को जानना आपके लिए क्यों जरूरी है ये आगे खबर में वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं खबर की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो हमेशा रहती है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आंगनबाड़ी से रिलेटेड बिल्कुल सही और सही जानकारी टाइम पर मिलती है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी में सारी खबर सारी चीज़ें दी गई हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश राज्य की खबर है, लेकिन आप किसी भी जिले की आंगनबाड़ी सेविका जो वीडियो देख रही हैं, सभी के लिए काफ़ी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए, शीर्षक क्या है कि एनटीटी का मतलब होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिन्होंने किया हुआ है। साथ ही आंगनवाड़ी वर्करों के लिए भी प्री प्राइमरी शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, प्री प्राइमरी टीचर बनने का मौका है। साथ ही यहाँ पर लिखा गया है कि नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए शिक्षक भर्ती के लिए R&P नियम तैयार करने में जुटा है शिक्षा विभाग। देखिए, आंगनवाड़ी वर्करों को क्या फ़ायदा होने वाला है, और एनटीटी तो जो किए उनको तो ये प्री प्राइमरी टीचर बनेंगे ही, तो सभी के लिए खबर अच्छी है। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। आते हैं नीचे की तरफ, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, शिमला से खबर प्रकाशित हुई है, जो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। लिखा गया है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनबाड़ी वर्करों के लिए भी प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है। जैसे कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जो भी सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स वगैरह कराया जा रहा है वो किस लिए, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही कराया जा रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कराया जा रहा है। तो सेविकाओं को भी जो है मौका मिलने वाला है, चूंकि हिमाचल प्रदेश की खबर है लेकिन फिर भी सभी के लिए जरूरी क्यों है। देखिएगा क्या लिखा गया है, नर्सरी और KG कक्षा के लिए शिक्षक भर्ती के लिए विभाग के अधिकारी R&P नियम बनाने में जुट गए हैं। प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है, यानी सेंट्रल लेवल पर इसको पूरा डेटा भेजा गया, वहां से मंजूरी मिलेगा तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी जो है प्री प्राइमरी टीचर बनाया जाएगा। लिखा गया कि अप्रैल में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी NTT अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेजा था। ध्यान दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा निदेशालय है उसने क्या किया कि जो भी प्री प्राइमरी स्कूल है उसमें जो है या तो आपको टीचर ट्रेनिंग करके आना है, नहीं तो अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर है जो ट्रेंड है तो उनको भी मौका मिलेगा। NTT कर चुकी महिलाएं लंबे समय से उन्हें इन स्कूलों में नियुक्त करने की मांग कर रही हैं, अतः आंगनवाड़ी वर्कर भी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत है। दोनों संगठनों ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए थे। ऐसे में सरकार ने विभागीय अधिकारियों पर मामलों पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। अब नए सिरे से बन रहे प्रस्ताव में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के लिए साथ आंगनवाड़ी वर्करों को भी भर्ती में शामिल किया जा रहा है। देखिए क्या लिखा गया है कि भर्ती में जो है आंगनवाड़ी वर्करों को भी, इतना देखिए क्या लिखा है कि शामिल किया जा रहा है, यानी उनको भी शामिल किया जाएगा। कितने पद किस श्रेणी के लिए दिए जाएंगे, इसके लिए मंथन जारी है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाना है। विभागीय अधिकारियों की ओर से प्रस्ताव में 10 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने की 18 वर्ष से 45 वर्ष तक करने की सिफारिश भी की गई है। तो देखिए, सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि जो सेविकाओं को जो ये बनाया जाना है वो जो है वो कैसे बनेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है। अब देखिए, किसी भी स्टेट के, जैसे कि आप लोग बिहार की सेविका हैं या फिर यूपी, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कहीं के भी आप जो वीडियो देख रही हैं, फ़ायदा क्या होगा, चूँकि हिमाचल प्रदेश में ये नियम लागू हो जाता है, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल जाती है अगर आंगनबाड़ी वर्कर जो है प्री प्राइमरी शिक्षक बन जाती हैं, तो क्या होगा इससे जो है, चूँकि देखिए हर एक स्टेट में काम लगभग वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं का सामाजिक कार्य है, पोषाहार वितरण, कुपोषण दूर भगाना, और हर एक जगह पर उनको ट्रेनिंग भी मिल रहा है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की सेविकाएं जो है ये बन सकती हैं, तो आप बिहार, यूपी, अलग अलग स्टेट में भी आप मांग कर सकती हैं, वहाँ से भी आपको बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जा सकता है जब आप लोग मांग करेंगे तब, क्योंकि सभी जगह जो है लगभग काम वहीं है सेविकाओं सबका। तो यही मकसद था कि मैंने आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट का खबर बताया। उम्मीद है वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।